नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रमुख और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या के मामले में पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। जीतन सहनी की हत्या के मामले में पैसों के लेन देन की बात सामने आ रही है। मिथिला क्षेत्र के डीआईजी बाबूराम ने मीडिया को बताया कि में अभी तक क्या जांच में आई है और कितने लोगों को हिरासत में लिया है, वो लाल अलमीरा का क्या राज है, दो बाइक का क्या राज है, सर इस पर जानकारी। मुझे कल से एसआईटी की टीम और सारे सीनियर अफसर लगे हुए हैं, रात भर अनुसंधान चलता रहा, आज भी चल रहा है, कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है, कुछ लोगों कस्टडी में लिया गया है, सीसीटीवी में दिखाई दिया था कि लोग घर में प्रवेश किया देर रात में, तो उन्होंने कुछ जानकारियाँ दी हैं, इन जानकारियों के आधार पर आगे की कार्रवाई, आगे के जो तार हैं वो जोड़े जा रहे हैं। अभी यहाँ पर हम लोगों ने उन्होंने बताया था कि हथियार यहीं फेंका है, उसको ढूंढवा रहे थे, पानी खाली कराया तालाब का, तो अभी वहाँ तलाश चल रही है, हालांकि यहाँ चांसेस कम दिख रहे हैं मिलने के। और भी बहुत सारे बिंदु हैं, सीसीटीवी देखा जा रहा है, मोबाइल की डिटेल हैं, उनको आपस में जोड़ के देखा जा रहा है, कई बिंदुओं पर काम चल रहा है। सीसीटीवी में सर कितने लोग थे? सीसीटीवी में अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग हैं, लास्ट के 10:30 से 11 के बीच में चार लोग हैं, उससे पहले भी कुछ लोग आए हैं, उस सब के रोल को वेरीफाई किया जा रहा है, काफ़ी सफलता के नज़दीक हैं, काफ़ी हद तक कार्रवाई अनुसंधान की कार्रवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी कुछ बिंदु बचे हैं जिन पर लगे हुए हैं। सर लाल जो अलमीरा है उसमें क्या था इसकी? उसमें जो इनके लोगों को पैसे लेन देन के जो कागज़ थे और कुछ पैसे थे उसके अंदर, जो भी घर में अवेलेबल्स था उसी के अंदर रखा जाता था। तो उसमें क्या सर बही का भी डायरी वगैरह था क्या उनका, जो लोगों को पैसे कितने देते थे लेते थे? उसके जो आपस में लेन देन का एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट के कागज उसमें रखे हुए मिले हैं। ये सर 3 गिलास मिला था वहाँ से, तो क्या 3 गिलास में शराब की हुई थी? फसल की टीम ने फिंगरप्रिंट भी उठाए हैं, बाकी उनके अंदर क्या लिक्विड था, क्या यूज़ किया गया था, वो उनकी रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। अभी तक कितने लोगों को हिरासत मिले सर? कल भी कुछ लोगों से पूछताछ की गई थी, कुछ आज भी लोगों से पूछताछ की गई है, एग्जैक्ट चीज़ें आप लोगों को भी पीसी के माध्यम से बताई जाएंगी। ठीक सर। हत्या के मामले की जांच के दौरान पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है, इसमें चार लोग जीतन सहनी के घर में घुसते हुए दिख रहे हैं, इसके कुछ देर के बाद चारों घर से बाहर निकलते भी दिख रहे हैं। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे सभी लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इसी सप्ताह सोमवार को जीतन सहनी की दरभंगा के बिरौल बाजार स्थित उनके घर में हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच के लिए दरभंगा ग्रामीण की पुलिस अधीक्षक एसपी काम्या मिश्रा की अगुवाई में एक कमेटी गठित की गई थी। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। पुलिस से पूछताछ में यह बात सामने आई है कि मुकेश सहनी के पिता ने इनमें से दो लोगों को करीब 2.5 लाख रुपये सूद पर दिए थे, जिसके बदले में उनकी बाइक उन्होंने गिरवी रखी हुई थी। ये लोग अपनी बाइक छुड़ाने की बात करने के लिए जीतन सहनी के घर गए थे। इसको लेकर इनमें से दो के साथ पहले भी उनका विवाद हुआ था। मुकेश सहनी के पिता ने इनको सबक सिखाने की धमकी भी दी थी। डीआईजी ने बताया कि पुलिस ने इनके अलावा कुछ और लोगों को भी हिरासत में लिया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। डीआईजी बाबूराम ने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जाँच कर रही है और जल्द ही मामले की सच्चाई सामने आ जाएगी। दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी ने बताया कि हिरासत में लिए गए लोगों के मोबाइल डिटेल्स, अपराध की हिस्ट्री, मृतक जीतन सहनी के साथ लेन देन और देर रात जीतन सहनी के घर जाने के कारण समेत अन्य बिंदुओं पर भी पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा इस हत्या से जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। प्रशासन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वीआईपी प्रमुख के पिता की हत्या के बाद प्रदेश में बिहार सरकार पर अब सवाल उठने लगे हैं। युवा राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष राकेश नायक ने कहा, मुकेश सहनी के पिता की हत्या से एक बात तो साफ है कि इस प्रदेश में आम हो या खास कोई भी सुरक्षित नहीं है। वहीं कांग्रेस आईटी सेल के प्रदेश सचिव सुधीर पांडे ने कहा, इस हत्या के मामले को सुलझाने और दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने में सरकार और पुलिस अब तक नाकाम साबित हुई है। इससे साफ पता चलता है कि पुलिस पर सरकार की कोई पकड़ नहीं रह गई है। पिता की हत्या के बाद पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक भावुक पोस्ट लिखी है। उन्होंने लिखा, मेरे पिताजी की अपराधियों ने बेरहमी से हत्या कर दी, उनको इतनी क्रूरता से मारा गया कि इसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उनका खून हमारे घर की दीवारों पर लगा हुआ है। निषाद समाज के लिए यह दिन
काला दिवस के रूप में जाना जाएगा, लेकिन यह हमें डरा नहीं सकता। मुकेश सहनी के पिता के अंतिम संस्कार से पहले उनके सुपौल बाजार स्थित आवास पर पक्ष और विपक्ष के कई नेता एक साथ दिखे। पिता की हत्या की सूचना के बाद मंगलवार की देर शाम वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी चार्टर्ड उड़ान से मुंबई से पटना पहुंचे, जिसके बाद वो अपने पैतृक घर बिरौल बाजार पहुंचे। नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री और मुजफ्फरपुर से भाजपा सांसद राजकुमार निषाद सोमवार देर रात मुकेश सहनी के पैतृक आवास पहुंचे, जहां उन्होंने मुकेश सहनी से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। मुकेश सहनी के पिता के अंतिम दर्शन करने को लेकर बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी, अति पिछड़ा कल्याण मंत्री हरी सहनी, भाजपा के पूर्व MLC अर्जुन सहनी, राजद विधायक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री ललित यादव, मोहम्मद अली अशरफ फातमी सहित कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के अलावा कई नेता मौजूद थे। तो जीतन सहनी की हत्या से बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विपक्ष सरकार और प्रशासन पर सवाल उठा रहा है, पूछ रहा है कि सुशासन का दावा करने वाले, जंगल राज कहने वाले अभी चुप क्यों हैं। हालांकि SIT का गठन हो गया है, मामले की जांच हो रही है, एक एक पहलू पर जांच हो रही है और अभी तक जो कुछ पता चला है वो हमने आपको बताया है। फिलहाल के लिए इतना ही, तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।